हाँ भाई, वेलकम टू चिकवट। देखिए, ये जो 1 नवंबर से आपकी न्यू वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। और एग्ज़ाम कैसे क्या होगा, किस तरह से क्या आपको करना है, वो सब मैं आपको आज यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस वैकेंसी में अप्लाई सबको करना है, ठीक है। ये एक बात है जो आप गांठ बांध कर रख लीजिए, अप्लाई सबको करना है। अभी जो आप यूपी पुलिस का परीक्षा हुआ है, जिसमें लोग पेपर दे कर आए, बहुत अच्छे एग्ज़ाम हुए लोगों के, जिनके अच्छे हुए वो भी अप्लाई करें और जिनके अच्छे नहीं हुए वो भी अप्लाई करें, दोनों को अप्लाई करना है, ये बात याद रखिए। क्योंकि देखिए, यूपी की पुलिस वैकेंसी में हमेशा आपने देखा कुछ ना कुछ तो मतलब ड्रामे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आगे चल के किस वैकेंसी में क्या ड्रामा होगा ये तो कंफर्म नहीं है। तो अगर आपकी एज कंफर्म आ रही है, अगर आप इस आपकी एज है, एबिलिटी है आपके पास भरने की, तो आप सब लोग भरेंगे, ठीक है। जिसके पेपर अच्छे हुए हैं वो भी, जिन्होंने नहीं भरे तो वो भी, और जो न्यू वाले लोग हैं वो सब भरेंगे, ठीक है। सब लोग अप्लाई करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है पेपर में, 2 महीने बाद आपका पेपर है, ठीक है। तो 1 महीने आपको पूरा समय दिया जा रहा है इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो ये आपको काम करना है, ठीक है। तो सब लोग अप्लाई करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और जितने लोग अप्लाई करेंगे वो सब मुझे कमेंट करके बताइएगा, सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सब लोग बताइए कमेंट करके। दूसरी बात देखिए, कुल पद जो हैं वो हैं आपके 56,880 पद हैं, लेकिन जो 1 नवंबर से स्टार्ट किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं सिर्फ 51,216 पद, ठीक है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 51,216 पद जो है आपके 1 नवंबर से। देखिए, ऑनलाइन जो इसकी तिथि क्या प्रारंभ कर रहे हैं, 1 नवंबर 2018 से ये प्रारंभ कर रहे हैं, और इसकी अंतिम तिथि जो है ये आपके 30 नवंबर 2018, ठीक है। यानी लगभग पूरा 1 महीना है, आपको आराम से फॉर्म भर लीजिएगा सब लोग, कोई भी छोड़िएगा नहीं। क्योंकि कई लोग मुझे कल कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने इस वैकेंसी में मैं नहीं भर पाया था, क्या इसमें भर पाऊँगा। तो ऐसी गलतियाँ मत करिएगा, जहाँ पर भी हों आप लोग ज़रूर इसको फिल करिए। बाकी जो एग्ज़ाम की तैयारी की टेंशन मत लीजिएगा, हम पूरा जो एग्ज़ाम की तैयारी आपको कराएंगे, A to Z कराएंगे। और लगभग देखिए, एक बात मैं बता दूं कि सिलेबस सेम है, तो ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, उम्मीदवारों की जो उम्र सीमा जो इसमें इस बार दी गई है, पुरुष एवं महिला जो है सामान्य वर्ग की यानी जनरल कैटेगरी जो है वो 18 से 22 साल की है, लेकिन एक छूट दे दी गई है इस बार। ये जो आपका जो एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1 जुलाई 2017 से होगा, ठीक है। तो जो अगर 2017 में अगर आप 22 ईयर्स के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो 1 जुलाई 2017 से इंक्लूड किया जा रहा है। और ये सरकार इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि इनके कैलेंडर के हिसाब से ये लेट हो गए थे, तो कई जो स्टूडेंट हैं, कई लोग हैं जो नहीं भर पाए थे फॉर्म, तो वो भर सकते हैं, 1 जुलाई 2017 से इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, पुरुष जो हैं OBC SC और ST, ठीक है, ये तीनों लोग हैं OBC SC और ST वर्ग के जो पुरुष हैं वो 18 से 27 इनकी उम्र सीमा है, और महिलाएं जो हैं वो OBC SC ST इनकी 18 से 30 की उम्र है, ठीक है। तो अगर इस उम्र की श्रेणी में आप लोग आ रहे हो तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वो हम आपको कराएंगे, A to Z कराएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे आपका जो है न्यू वैकेंसी की तैयारी, ठीक है। आवेदन शुल्क जो है आपका 400 रुपये, और ये सभी के लिए जनरल OBC SC ST सबके लिए सेम ही फीस है, फीस में कोई कटौती नहीं है किसी प्रकार की, 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये का मुंह मत देखिएगा आप लोग सब लोग अप्लाई करिएगा, ये बात मेरी मानकर चलिए, ठीक है। परीक्षा तिथि भी इन्होंने घोषित कर दी है, ये 4 से 5 जनवरी की है परीक्षा, ठीक है। यानी मोस्टली आपके पास सिर्फ 2 महीने के समय है, ठीक है, 1 नवंबर और दूसरा आपका दिसंबर, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, देखिए सिलेबस क्या है इसका, पुरानी भर्ती के अनुसार ही है, यानी जो अभी आपने पढ़ा है वो बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, जो न्यू लोग हैं वो उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जैसे कैसे करेंगे, हमारे चैनल पर मैं जो कि प्ले लिस्ट है यूपी पुलिस वाली मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आप हिंदी की जो वीडियो है अच्छे से देख लीजिए, GK की वीडियो देख लीजिए। GK इन्होंने थोड़ा सी मतलब होता नहीं है टेढ़े मेढ़े पूछे हैं, तो उसकी चिंता मत करिए, अब हम आपको टेढ़े मेढ़े GK भी पूरी अच्छे से करा देंगे, उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो न्यू वाले हैं वो पुरानी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उनको देखते रहिए, क्योंकि सेम सिलेबस है तो आपको कुछ खास चेंजेस नहीं है, आप लोग रिवाइज करते रहिए। 2 महीने बहुत कम समय होता है किसी भी वैकेंसी के लिए, तो जितने न्यू बंदे हैं वो तुरंत तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दिए। ओल्ड वाले तो हमारे साथ भाई लोग जुड़े हुए हैं, आपकी तैयारी लगभग तो है अभी भी, अभी आपका कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो आप लोग भी मतलब अपडेट रहिएगा, रिवाइज़ करते रहिएगा और करंट अफेयर भी अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। और हम समझ चुके हैं कि हम आपको कहाँ से वीडियो प्रोवाइड करनी है इस बार GK की, ठीक है। GK की वीडियो हम समझ चुके हैं कि इस बार हमको कहाँ से प्रोवाइड करनी है, इन्होंने जो बहुत ज़्यादा लोचे किए हैं इस बार GK में ना, तो वो भी हम आपको ठीक कराएंगे, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको बस ध्यान रखना। और ये बात फिर मैं बोलूँगा, रेड कर रखिए, लिख कर रखिए कि भरना सबको, अगर आपकी उम्र है तो सब लोग भरिएगा, इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। और हम लोग तैयारी इकट्ठा ही करेंगे, बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी तैयारी। और जिनकी जो न्यू है वो प्ले लिस्ट में जाकर तुरंत वीडियो देखना स्टार्ट करें, एक एक वीडियो आपके लिए हिंदी के और जो आपके जितने भी साइंस के जो भी पढ़े हैं सब देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए सभी यूज़फुल होंगे, ठीक है। बाकी और ग्राम विकास अधिकारी तो स्टार्टिंग हो चुका है, वहाँ के लिए भी हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग सब लोग अप्लाई जो जो करेंगे वो सब मुझे यस करके बताइएगा कि हाँ सर हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट का दम भी होना चाहिए, सब लोग बताइए, हम लोग अप्लाई करें, सब लोग मिलकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।